हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़, वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। आई होप सो गाइस कि आप सबकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर, और जिससे कि आप लोग इन वैकेंसीज में अप्लाई कर पाओ, अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कर पाओ और कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन जरूर ले पाओ। तो गाइज़, यहाँ पर अगर हम देखें, आज का जो नोटिफिकेशन आया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर आया है, BEL के अंदर, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर फंक्शन करता है, नवरत्ना PSU की कैटेगरी में आता है और गाजियाबाद यूनिट जो है उसके लिए परमानेंट बेसिस पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। ज़्यादातर आपने देखा होगा BEL में जो वैकेंसीज आती है कॉन्ट्रैक्चुअल या टेम्प्रेरी पोस्ट आती है, लेकिन ये जो पोस्ट है ये परमानेंट बेसिस पर है। यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी EAT की वैकेंसीज है, 3 ईयर इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन मांगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में। इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसीज है और मैकेनिकल में 12 वैकेंसीज है। यहाँ पर अगर आप पे स्केल देखोगे तो गाइस, पे स्केल जो आपका यहाँ पर रहने वाला है वो 24,500 से लेके 90,000 का सैलरी स्लैब रहेगा, उसमें 3% का एनुअल इंक्रीमेंट आपका रहने वाला है और उसके अलावा आपको जितने भी अलाउंसेज वगैरह है वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और यहाँ पर टोटल आपकी जो CTC रहने वाली है वो 6.77 लाख के अप्रोक्सीमेटली रहने वाली है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, और भी यहाँ पर पोस्ट है, टेक्नीशियन सी की पोस्ट है, तो ये डिफरेंट कैटेगरी के बच्चों के लिए है, तो अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी जो EAT की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, इसमें आपका इनिशियल पीरियड में 6 मंथ में आपका ट्रेनिंग रहेगा, जिसमें आपका स्टाइपेंड आपको 24,000 पर मंथ का मिलेगा। जब आपकी सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप रेगुलर पे स्केल में आ जाएंगे, उसमें फिर जो आपको मैंने CTC बताया वो CTC आपको मिलने लगेगा। नेशनलिटी अगर हम देखें, आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम आपकी 18 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट जो इन्होंने रखी है वो 28 रखी है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की, तो 28 ईयर से आपकी एज जो है वो कम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें गाइस, तो और भी बहुत सारी यहां पर वैकेंसीज है, जैसे कि रिलेक्शन ऑफ अपर एज लिमिट इन्होंने दे रखा है, अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर का है, शेड्यूल कास्ट में 5 ईयर का है और पर्सन विद डिसेबिलिटी में 10 ईयर का है। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखो तो और भी इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्या रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो है डिप्लोमा आपका होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके क्वालिफिकेशन इन्होंने रखे हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस, तो जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी है, इसमें मिनिमम जो परसेंटेज है आपके डिप्लोमा में वो 60% होने चाहिए, अगर आप जनरल EWS OBC से है, अगर आप SC और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% एग्रीगेट है। टेक्नीशियन सी के अंदर अगर आप देखोगे तो जनरल EWS और OBC में 60%, SC PWD में 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, 0 एक्सपीरियंस है। इसमें अगर हम मेथड ऑफ सिलेक्शन देखें गाइस, तो आपका यहाँ पर 2-4 रिटर्न टेस्ट होने वाला है 150 मार्क्स का, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, आपका लॉजिकल रीजनिंग, कंप्रेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स और जनरल नॉलेज चेक की जाएगी। इसके अलावा टेक्निकल एप्टीट्यूड होगा जो कि 100 मार्क्स का होने वाला है, जो भी आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं उसके रेस्पेक्टिव आपका सिलेबस इसमें रहेगा। इसमें अगर हम जनरल OBC की देखें तो आपका जो क्वालिफिकेशन होगा वो मिनिमम 35% मार्क्स आपके दोनों में आने चाहिए, SC PWD के कैंडिडेट के 30% मार्क्स जो है मिनिमम आने चाहिए। एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करोगे तो ये अनाउंस कर देंगे, जब अनाउंस करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, पे और अलाउंसेज मैंने आपको बता दिए, EAT में आपका 24,000 ट्रेनिंग पीरियड में रहेगा और उसके बाद जो मैंने आपको CTC बताई है वही CTC रहेगा, इसके अलावा सारे आपको गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स है वो तो मिलने ही वाले हैं। एप्लीकेशन फीस अगर हम देखें गाइस, तो यहाँ पर जनरल OBS और EWS के लिए, OBC और EWS के लिए 295 टोटल लगेगी, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर हम देखें गाइस, इन्होंने और भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको पेमेंट का जो प्रोसेस है वो कैसे फॉलो करना है, तो पेमेंट करने का मैकेनिज्म यहाँ पर मेंशन है। अप्लाई करने के लिए आपको www.bel.india.in पर जाना है और यहां पर जाकर आप इस पर्टिकुलरली इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हो। बाकी गाइस, आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए, तो इसकी PDF जो है वो मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 8 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट जो रहेगा 31 जनवरी 2024 रहेगा, एग्जामिनेशन आपका फरवरी में होने वाला है, तो अभी डेट नहीं आई है, जब डेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन
उसकी प्रोवाइड कर दूंगा। गाइज इस एग्जामिनेशंस की आप प्रिपेयर अगर करना चाहते हो, सिलेबस वगैरह क्या है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, पी वाई क्यू वगैरह क्या है, तो आप लोग उस केस में कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भी नेसेसरी चीज़ें जो आपकी हेल्प कर सकती है, जो आपको अवेलेबल वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, और आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी भी मिल जाएगी जिसमें काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जब आप उनके साथ रहते हो तो आपका भी ऑटोमेटिक प्रिपरेशन जो है अच्छे मोड में जाने लगता है। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर सर्च करके। इसी के साथ गाइज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।